हे एवरीवन, आप सभी को ओम साई राम। क्योंकि आज है मेरा व्रत और आज है बृहस्पतिवार, तो बस आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो चुका है। अभी अभी मेरी पूजा हो चुकी है, सारा काम मेरा हो चुका है मॉर्निंग वाला। तो बस अभी से तो चलिए भी चाय बनाने जा रही हूँ, चाय बनाकर पीऊंगी। क्योंकि पति परमेश्वर के लिए मैंने नाश्ता बना दिया था आज, और नाश्ते में मैंने बनाया था गाजर मटर आलू की सब्जी। शिमला मिर्च गाजर आलू गोभी की सब्जी, हाँ ये बनाई थी, रोटी बनाई थी। तो वो खा के चले गए हैं और चाचा जी भी चले गए हैं, तो मैं थोड़ा सा लेट हूँ आज। और मशीन में मैंने कपड़े लगाए हैं तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी उसकी। तो भी मुझे चाय बनाना है, कपड़े फैलाना है और बस। तो चलिए शुरू है आज का ब्लॉग, आपको एंड तक बने रहना है ब्लॉग्स में। क्या? हाँ ला ला, मेरा बेटा है, मुझे देता है। ये लोग गुस्साएंगे अभी तुम्हारे ऊपर, डांट रहे हैं देखो सब लोग, कह रहे हैं अभी गंदा बेटा है। हाँ लाओ, देख लाओ लो लो, ये मेरा बेटा लो। तो आज मैंने मॉर्निंग में बनाई थी आलू गोभी शिमला मिर्च गाजर की सब्जी, और बीन्स भी मैंने डाले थे। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी थोड़ी सी जो है आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जीरा थोड़ा सा डाला, उसके बाद प्याज और हरी मिर्च डाला है। इसको थोड़ा सा लाल होने तक भून लेंगे, उसके बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मसाले वाली सब्जी जो है मैं आज बना रही हूँ। तो देखिए अच्छे से भुन गया है, फटाफट मैं आपको रेसिपी दूंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। और यहाँ पर देखिए जो मसाले होते हैं ना, जिसमें धनिया हल्दी मिर्चा सारा मिक्स होता है, तो मैंने वही वाले मसाले जो है इसमें ऐड कर दिए हैं। और मसाले जो है अच्छे से भुन गए थे, उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू डाल दिया है। और आलू भी जो है अच्छे से मेरा देखिए फ्राई हो चुका है। तो इसमें मैं जो है सारी सब्जियाँ ऐड कर दूंगी, गोभी गाजर ये सारा कुछ। और पहले मैं गोभी डालकर थोड़ा सा इसको भून लूँगी, उसके बाद फिर जो है मैं इसमें गाजर और शिमला मिर्च और बीन्स वगैरह डालूंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ये बहुत ही हेल्दी और यमी सब्जी है। मुझे तो आज खाना नहीं है, पति परमेश्वर खाएंगे, चाचा जी खाएंगे। तो बस ये सब्जी देखिए मैंने इसको छोंक दिया है। दूसरी तरफ इन लोग के लिए मैंने चाय चढ़ा दी है, तो मैं अभी बाद में चाय पीऊँगी। पहले इन लोग को मैं चाय वगैरह दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने फिर टमाटर इसमें काट कर जो है ऐड कर दिया है। तो थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, इसमें नमक डाल दूंगी और बस जो है धीमी आंच पर इसको रख दूंगी, ये पकेगी। और दूसरी तरफ मैं रोटी बना दूंगी, तो इन लोग का नाश्ता हो जाएगा और मुझे लगता है शाम को भी हो जाएगा। शाम को मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, रोटी वगैरह बनानी पड़ेगी और दाल बना दूंगी, बस इन लोग का हो जाएगा। और मैं अपने लिए कुछ बना लूंगी जो मेरा खाने का मन करेगा। वैसे व्रत में मेरा तीखा खाने का मन करता है, तो मैं कोशिश करूंगी कुछ तीखा वगैरह बनाने की, साबूदाने की खिचड़ी वगैरह। तो देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए तो अभी जो कर रहे हैं वही करते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी छोंक दिया है, और चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर में आप लोगों से। अभी देखिए हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। बहुत सारे कपड़े मैंने धुले थे, और आज तो नहीं धुले थे, बृहस्पतिवार को मैं कोशिश करती हूँ ना कपड़े थोड़ा सा कम ही धुलूँ। तो कल के भी कपड़े थे, तह नहीं किए थे मैंने, तो जो मैं नहीं तय कर पाती हूँ ना, आगे वाले रूम में रखा रहता है, जब टाइम मिलता है तो उठा के लाती हूँ फिर तय करती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े मेरे सारे तय हो चुके हैं, और सच में मुझे ऐसा लग रहा है ना इस टाइम मेरा बुरा वक्त चल रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ में कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ट्राई कर रही हूँ कि कोई ना कोई ब्लॉग्स वायरल हो जाए, लेकिन सच में कोई ब्लॉग्स वायरल ही नहीं हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी किस्मत ही ख़राब है, बुरे वक्त में ना किस्मत वगैरह सारा कुछ साथ नहीं देती कुछ भी, तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। और मैंने सारा कुछ ट्राई कर लिया, टेक्स्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैंने डाल दिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। मैं सच में परेशान हूँ, और मेरा क्यूटी बच्चा देखिए कैसे बैठा हुआ है। तो मेरे कपड़े तय हो चुके हैं, मैं फटाफट इसको अलमारी में रख देती हूँ, और उसके बाद फिर जो है मिलती हूँ आप लोगों से। और प्लीज़ आप लोग को थोड़ा सा मेरा बच्चा खटर पटर कर रहा है, उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़, वो खेल रहा है, मैं क्या करूँ, उसको मना नहीं कर सकती खेलने से। तो यहाँ पर फटाफट मैंने बेडशीट सही कर दिया है, और सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। और वैसे मैं बता दूँ, ये वाली क्लिप इवनिंग की है, और मैंने मॉर्निंग में
जो है इनको नाश्ता वगैरह करा के भेज दिया था। उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे ना उसको धुल के फिर मैं भी आराम से लेट गई थी, थोड़ा सा ब्लॉग्स वगैरह एडिटिंग किया था। हो रहा है रात का टाइम, रात के बज रहे हैं 9 और इस बच्चे की शैतानी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ लीजा का खाना रखा हुआ है, अभी मुझे देना है इनका। और इनसे मिल लीजिए पहले, बहुत शैतानी करने लगा सच में। तो मेरी हालत देखिए कैसी लग रही है मुझे भी पता नहीं क्यों। तो बस अभी जो है मैं ये वाले ब्लॉग का जो है एडिटिंग कर रही थी, तो ये वाला ब्लॉग जो है इनकम्प्लीट था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप इनकी ले लेती हूँ। और ये बहुत शैतानी हो चुके हैं, वन सेकेंड। ये बच्चा बहुत परेशान करता है। तो मेरा आज जो है खाना वगैरह सारा कुछ बन चुका है, पति देव के आने का इंतजार हो रहा है। जब वो आएंगे उसके बाद हम लोग खाएंगे। और चलिए फिर अभी आज के लिए बस इतना ही। और मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगेगा ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और कुछ अपने मन की बातें मैं आप लोग से करना चाहूँ तो मन की बातें मेरे ये है कि क्या वजह है मेरा ब्लॉग्स वायरल नहीं हो रहा है, मुझे बताइए क्या कमी है मेरे ब्लॉग्स में जो मेरा वीडियो नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ सच में, प्लीज़ मुझे बताइए। मैं वो सारा कुछ करूँगी, मैंने वैसे अपने तरीके से बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत सारा कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है अभी। तो चलिए इस बच्चे को मैं ध्यान देती हूँ, देखती हूँ क्योंकि ये भी मुझे तंग करेगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है मतलब मॉर्निंग हो रहा है, एकदम मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं हो रहा है। मेरा सारा काम हो चुका है, नहा धो चुकी हूँ, मॉर्निंग की क्लीनिंग हो चुकी है, उसके बाद का ये क्लिप है। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए सब्जी वगैरह कट कर रही हूँ, इनका मुझे कुछ बनाना है, या तो मैं चिल्ला बनाऊँगी और या तो मैं उसमें साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी, तो उसमें ये सारा कुछ ऐड कर दूँगी। तो इसलिए जो है मैं इसको कट कर रही हूँ। तो ये वाला ब्लॉग इनकम कम्प्लीट था कल भी, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा ब्लॉग शूट करते हैं और इसको कम्प्लीट करते हैं। तो बस यहाँ पर इनकी सब्जी कट कर दूंगी और दूसरी तरफ पति परमेश्वर के लिए मैं खाना भी बना रही हूँ, उनका खाना भी बन रहा है क्योंकि उनको भी हॉस्पिटल जाना है, तो नहीं तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दोनों का साथ में शुरू कर दिया है। और पति देव का दाल चावल खाने का मन है तो उनके लिए दाल फ्राई कर रही हूँ, और दाल मैंने चढ़ाया है, फ्राई नहीं कर रही हूँ, फ्राई करना है। और साथ में यहाँ पर मॉर्निंग वाली चाय भी बन रही है, तो आप लोग को चाय पीनी हो तो आ जाइए, ये मेरे लिए है, चाचा जी के लिए है। पति देव चाय बिल्कुल भी नहीं पीते हैं तो वो नहीं पियेंगे।